अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सिटी हाउसिंग सियालकोट की सबसे बड़ी हाउसिंग सोसाइटी है और किंग ऑफ टिकटॉक लाइव मिस्टर पतलू भी आजकल यहीं पर रहाइश पजीर होते हैं और उनके अलावा भी कई और सितारे हैं जिन्होंने इस सोसाइटी की जीनत को चार चांद लगाए हुए हैं। दोस्तों वैसे तो टिकटॉक के किंग अंसर जट अल मरूफ मिस्टर पतलू को मैं पर्सनली मिल चुका हूँ, लेकिन कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से मैं उनका घर आपको इस वीडियो में नहीं दिखा सकता। हम सिटी हाउसिंग सोसाइटी में गांव की तरफ से जा रहे हैं और एमनाबाद रोड को हम यूज़ करेंगे और सिटी हाउसिंग में पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं इस वक्त सिटी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर, तो चलें फिर आपको सैर कराते हैं इस खूबसूरत सोसाइटी की और दिखाते हैं आपको शानदार इसके लैंडस्केप, जू वगैरह और शॉपिंग सेंटर्स, और ख़ासतर मैं आपको दिखाऊँगा इसमें पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट। आपने इस वीडियो के साथ कनेक्ट रहना है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। वैसे तो दोस्तों इस सोसाइटी की बहुत सी नुमाया खसूसियात और भी हैं, लेकिन जिस वजह से मुझे ये अच्छी लगती है वो है इसका थीम। जिस खूबसूरत अंदाज से इन्होंने इस थीम को डिज़ाइन किया है, यकीन करें आपको ऐसे ही लगता है कि आप कदीमी मिस्र के अंदर चले गए हैं। दोस्तों कदीम मिस्र के आर्किटेक्चरल कल्चर को जिस खूबसूरत और मॉडर्न अंदाज में डिज़ाइन किया गया है वो वाकई काबिले दीद और काबिले दाद है। दोस्तों यही वो झलक है जिसे देखने के लिए सियालकोट के तमाम इलाकों से लोग छुट्टी वाले दिन यहाँ का रुख करते हैं और इंजॉय करने के लिए अपना पूरा दिन यहाँ पर सरफ करते हैं। दोस्तों यहाँ पर खूबसूरत स्ट्रक्चर्स को देखें और इन पर उमदा किए हुए वो पेंटिंग के अंदाज को देखें, आपको ऐसे ही लगेगा कि हम कदीमी मिस्र के अंदर चले गए हैं। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बाद हम आगे जाएंगे और देखेंगे इनके खूबसूरत जू को, और उसके बाद आपने कहीं नहीं जाना, हमने देखनी है पिरामिड्स ऑफ गीजा। दोस्तों जब भी आपके पास टाइम हो और आप महसूस कर रहे हो कि आपका जो ब्रेन है वो ड्रेन्ड आउट हो चुका है, आपकी एनर्जी लो हो रही है, तो आप यहाँ का रुख करें, आप भरपूर इंजॉय करेंगे, अपने आप को कदीमी मिस्र के अंदर महसूस करेंगे। दोस्तों बंगाल टाइगर्स और ब्लैक बक हिरन के साथ साथ वाइट लाइन्स भी इनके जू की जीनत हैं, जिनको देखने के लिए लोगों का रश लग जाता है। कोई नजम ऐसी लिखूं कभी तेरी बात बात की रोशनी मेरे हर्फ हर्फ में भर सके, तेरे लम्स की ये शगुफ्तगी मेरे जिस्म जामे उतर सके, कोई चांदनी किसी गहरे रंग के राज की मेरे रास्तों में बिखर सके, तेरी गुफ्तगू से बनाऊं मैं कोई दास्तां कोई कहकशां, हो मोहब्बतों की तमाजतें भी कमाल तरह से मेहरबान, तेरे बाजुओं की बहार में कभी झूलते हुए गाँव में, तेरी जुस्तजू के चराग को सरे शाम मैं जलाऊं इसी जिल मलाती सी शाम में, लिखूं नज्म जो तेरा रूप हो कहीं सख्त जाड़ों में एक दम जो चमक उठे, कोई खुशगवार सी धूप हो जो वफा की ताल के रक्स का कोई जीता जागता अक्स हो, कोई नज्म ऐसी लिखूं कभी कि हर एक लफ्ज के हाथ में तेरे नाम की तेरे हरूफ ताज़ा कलाम की, कई राज हों जिन्हें मुनकशफ भी मैं करूं अगर तो जहाने शेर के बाब में, मेरे दिल में रखी किताब में तेरे चश्म लब भी चमक उठें, मुझे रोशनी की फिजाओं में कहीं घेर ले कोई नज़म ऐसी लिखूं कभी। ले तो फिर दोस्तों हम पहुंच चुके हैं गीज़ा के अंदर और आप मुलाहजा कर सकते हैं ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीज़ा। अब आपने पहचानना है कि इनके अंदर पिरामिड ऑफ कुफू कौन सी है, पिरामिड ऑफ खफरे कौन सी है और पिरामिड ऑफ मेनकौर कौन सी है। चले मैं आपकी आसानी के लिए बता देता हूँ, जो सबसे बड़ी पिरामिड ऑफ गीज़ा है उसका नाम कुफू है, उसके बाद जो दूसरे नंबर पर आती है उसका नाम खफरे है, और जो तीसरे नंबर पर आती है उसका नाम मेनकौर है। मुझे उम्मीद है कि अब आपको पता चल गया होगा कौन कौन सी पिरामिड का क्या नाम है। दोस्तों ये जो तालाब आपने अभी मुलाहजा किया है ये भी आम तालाब नहीं है, जब आप कभी रात को चक्कर लगाएंगे तो फिर आप देखेंगे कि रंग बिरंगी रोशनियों में रक्स करता हुआ पानी आपको किस दुनिया में ले जाता है। दोस्तों अब मुख्तलिफ ब्लॉक्स के नज़ारे आपकी बसारतों की नज़र करते हुए हम सिटी हाउसिंग के बाहर चले जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सफ़र कदीम व जदीद पसंद आया होगा, तो दोस्तों अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर किया करें, हमें पता चलता है कि हमारी वीडियो ठीक है या नहीं ठीक, इसमें क्या कमी है क्या बेशी है और हम इसको कैसे दुरुस्त कर सकते हैं, ये आप ही हमें बता सकते हैं, क्योंकि हम जो भी एफर्ट्स कर रहे हैं वो आपके लिए हैं और आप ही हमें बेहतर कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह, मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो और एक नए सफ़रनामे के साथ। आज इस शहर में कल नए शहर में बस इसी लहर में
उड़ते पत्तों के पीछे उड़ाता रहा शौके आवारगी। इस गली के बहुत कम नज़र लोग थे, फितना घर लोग थे, जख्म खाता रहा मुस्कुराता रहा शौके आवारगी। दुश्मन जा फलक गैर है ये जमीन, कोई अपना नहीं, हाक सारे जहाँ की उड़ाता रहा शौके आवारगी।